बागेश्वर तालुकाना पीरामन गामनी प्राथमिक शाला खाते प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान हेठळ जनजागृति शिबिर योजाई हती, जेमां सन फार्मा कंपनी और एशियन एनवायरमेंट केरना अधिकारी द्वारा विद्यार्थियोने प्लास्टिकना उपयोग थती समस्याओ अंगे मार्गदर्शन आपवामां आव्युं हतुं। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीना प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान अंतर्गत अंकलेश्वरना पीरामन गामनी प्राथमिक शाला खाते 5 प्लास्टिक मुक्त भारत जनजागृति शिबिरनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां विद्यार्थियोने पावर प्रेजेंटेशन द्वारा प्लास्टिकना उपयोगथी थती समस्याओ तथा तेना निकाल अंगे मार्गदर्शन आपवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे अंकलेश्वरनी सन फार्मा कंपनीना एचएस हेड केशव कुमार रवि गांधी द्वारा विद्यार्थियोने प्लास्टिकना उपयोगने मर्यादित करवानी साथे साथे जनजागृति केळवाय ते माटेना प्रयासों बिरदाव्या हता अने प्लास्टिकना उपयोगथी थती समस्या अंगे विशेष माहिती पूरी पाड़ी हती। आ शिबिरमां राज्य अने राष्ट्रीय एवोर्ड विजेता शिक्षक गजेन्द्रभाई पटेल, पीरामन शाळाना आचार्य राजूभाई प्रजापति, एशियन एनवायरमेंट केरना वल्केश पटेल, सीएसआर हेड शहजाद बेलिम तेमज शाळाना शिक्षकों अने विद्यार्थियों उपस्थित रह्या हता। EHS हेड सन फार्मा अंकलेश्वर। और आज जैसा कि GPCB ने गाइडलाइन जारी करी थी कि सभी कंपनियों को अपने जो भरूच जोन में 10 गांव एडॉप्ट करके उनको प्लास्टिक फ्री करने का था, तो हमने 10 गांव भरूच के और अंकलेश्वर के लेकर के अपना वो कार्यक्रम वैसे अभी जारी है जो कि 100 डे का टारगेट था हमारा। और आज जो कि पीरामन स्कूल में हमने एक ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर किया है, जिससे कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको अवेयरनेस दे सके कि प्लास्टिक के क्या क्या खतरे हैं और उनके क्या क्या नुकसान हैं, जिसके लिए कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं कि जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनका कैसे रीयूज़ किया जाए। तो जो कि हमने आप देख सकते हैं कि बच्चों ने काम करना शुरू भी कर दिए प्लास्टिक बॉटल्स में अपने गमले लगा करके, पौधे लगा करके, उसको अपना जो अवेलेबल स्पेस है यहाँ पर उसको यूटिलाइज़ कैसे करें, वैसे उन्होंने चालू किया है।